सक्सेस जी स्टडीज़ के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम डिस्कस करेंगे 11th और 12th के कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स, साथ ही BBA, BCom और MBA में पढ़ाए जाने वाले अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। और आज हम बात करेंगे हेनरी फ्यूल, जिन्हें फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा बनाए गए 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में। और साथ ही मैं बताऊंगा एक ऐसी मज़ेदार और सटीक टेक्निक जिससे कि आपको ये सारे 14 प्रिंसिपल्स चुटकियों में याद हो जाएंगे। हेनरी फ्यूल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जो कि फ्रांस की एक बड़ी सी माइनिंग फर्म में काम करते थे। वो माइनिंग एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर बने, साथ ही उन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी। कई सालों के ऑब्जर्वेशन के बाद हेनरी फ्यूल ने 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए, जिन्हें मैनेजमेंट थ्योरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स आपके क्वेश्चन पेपर में भी ज़रूर आने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा ज़रूर देखिएगा। इन प्रिंसिपल्स में फ्यूल ने बताया है कि स्टाफ के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाना चाहिए और उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। 1916 में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियाले एट जनरले बुक में पहली बार 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया, जिसे 1929 में जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया गया। जब 14 प्रिंसिपल्स की बात आती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इन्हें याद कैसे करें। 14 के 14 प्रिंसिपल्स को याद करना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है, जिसके लिए मैं आपको एक आसान सा फ्रेज बता रहा हूँ, उसे आप याद कर लीजिए। और अगर आपने इसे याद कर लिया तो आपको पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल्स चुटकियों में याद हो जाएंगे। वो फ्रेज है, डैड यू सी USSR, ओ आई सी, डी फॉर डिविजन ऑफ वर्क, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी फॉर डिसिप्लिन, यू फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, सी फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यू फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस फॉर स्केलर चेन, एस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, आर फॉर रेम्यूनरेशन, ओ फॉर ऑर्डर, आई फॉर इनिशिएटिव, एस फॉर सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, ई फॉर इक्विटी एंड लास्ट ई फॉर एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो इस आसान से सेंटेंस को आप मेमोराइज कर लीजिए, आपको 14 प्रिंसिपल्स वैसे ही याद हो जाएंगे। और इससे पहले हम 14 प्रिंसिपल्स की तरफ बढ़ें, प्लीज़ मेरा पहला चैनल जिसका नाम सक्सेस जी है उसे जा करके देखिए, और अगर आपको उसके कंटेंट्स पसंद आए तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सक्सेस जी स्टडीज़ को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है डिवीजन ऑफ वर्क। इन प्रैक्टिस हर एम्प्लॉयज़ की योग्यता अलग होती है। किसी की कंप्यूटर में बहुत अच्छी ग्रिप होती है तो किसी को मशीन्स का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। उनका एक्सपर्टीज, उनका नॉलेज सब अलग होता है। और फ्यूल कहते हैं कि हर एम्प्लॉय को उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग ही काम सौंपा जाना चाहिए। जैसे यदि किसी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है और वो लोगों को आसानी से कन्विंस कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को मार्केटिंग में यूज़ किया जाना चाहिए। सेकेंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब है आदेश देने का और मनवाने का, डिसीजन लेने का अधिकार या पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी, यानी किसी भी काम की जिम्मेदारी दिए जाने पर उसको सही समय पर कम लागत में पूरा करने की जिम्मेदारी। फ्यूल चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी में सही बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी के एब्सेंस में अथॉरिटी का मिसयूज होता है और अथॉरिटी के एब्सेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाने में बहुत मुश्किल होती है। जैसे अगर अजय नाम के व्यक्ति को 5 आदमियों की मदद से किसी काम को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, बट वो 5 लोग अजय की बात नहीं सुनते हैं और अजय के पास कोई अथॉरिटी भी नहीं है जिसके थ्रू वो उन लोगों पर काम करने के लिए प्रेशर डाल सकें, तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के एब्सेंस में पूरी नहीं हो पा रही है। वैसे ही अगर अजय को 5 लोगों के ऊपर अथॉरिटी बना दिया जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाए किसी भी काम की, तो वो उन 5 लोगों का मिसयूज करेगा, जैसे अपने घर के पर्सनल काम करवाना वगैरह, जिनका कि ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड प्रिंसिपल होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है आज्ञाकारिता, अथॉरिटी का सम्मान और नियमों का पालन करना। फ्यूल जोर देते हैं कि संस्था के हर एम्प्लॉय में हर लेवल पर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि संस्था बेहतर ढंग से काम कर सके और अपने लक्ष्य को सही समय पर प्राप्त कर सके। फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब है कि किसी एक सीनियर या एक सुपरवाइज़र से आदेश प्राप्त करना। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आपको मम्मी और पापा दोनों ने किसी बात के लिए अलग अलग ऑर्डर्स दिए हों और इस कन्फ्यूजन की सिचुएशन में अब आप बात चाहे किसी की भी मानो, एक व्यक्ति की बात तो कटनी ही है,
और आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, आप तो कूटे ही जाओगे क्योंकि आपने किसी एक की बात नहीं मानी है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक एम्प्लॉई को या एक डिपार्टमेंट को दो अलग अलग सुपीरियर्स ऑर्डर देते हैं तो ऐसे ही कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। इसलिए फेयोल कहते हैं कि हर एम्प्लॉई के ऊपर एक से अधिक ऑर्डर देने वाला नहीं होना चाहिए ताकि हर एम्प्लॉई अपनी ड्यूटी को ढंग से बिना किसी कन्फ्यूजन के कर सकें। फिफ्थ प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जब डिसीजंस लेने की पावर टॉप मैनेजमेंट के पास होती है तो वो सेंट्रलाइजेशन कहलाती है, और जब डिसीजंस लेने की पावर उस व्यक्ति को दे दी जाती है जिसे कि वो काम परफॉर्म करना है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। फ्योल इस प्रिंसिपल में कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण में प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। बिजनेस का साइज, नेचर, लोकेशन देखते हुए सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज करने का डिसीजन लेना चाहिए। जैसे अगर कोई छोटा सा बिजनेस है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन की नीड नहीं है, वहाँ ओनर खुद से सारे डिसीजन ले सकता है। पर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में टॉप मैनेजमेंट को अपने पास सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की अथॉरिटी रखनी चाहिए और डिपार्टमेंट लेवल के डिसीजंस डिपार्टमेंट को सौंप देने चाहिए, यानी डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए। वरना इमेजिन करिए, मुकेश अंबानी के पास सारे कस्टमर्स के टैरिफ प्रॉब्लम्स जाने लगे तो अंबानी जी अपने लाखों करोड़ों के डिसीजंस कब लेंगे? तो फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन जैसे इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल डिसीजंस लेने की अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट को अपने पास रखनी चाहिए। सिक्स प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान। यूनिटी ऑफ एक्शन, जैसे क्रिकेट में जब कोई टीम बैटिंग करती है तो उस टीम के सभी प्लेयर्स हर हालत में अधिक से अधिक रन्स बनाना चाहते हैं, और जब फील्डिंग करते हैं तो सभी प्लेयर्स ऑपोजिशन को कम से कम रन्स में आउट करने की कोशिश करते हैं। यानी बॉलिंग हो या बैटिंग, पूरी टीम एक ही सोच के साथ उद्देश्य बनाकर काम करती है। वैसे ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के हर सदस्य को एक ही दिशा में सोचना और आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर लोग यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अंतर बहुत साफ है, यूनिटी ऑफ कमांड में एक ही बॉस से कमांड लेना होता है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में सभी एम्प्लॉयज़ का एफर्ट एक ही ऑब्जेक्टिव को पाने में लगाने से रिलेटेड है। प्रिंसिपल नंबर 7, स्केलर चेन। टॉप मैनेजमेंट से नीचे की रैंक्स तक पास होती अथॉरिटी स्केलर चेन दर्शाती है, और फ्योल कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन किसी भी स्केलर चेन के अनुसार ही होना चाहिए। यानी कोई एग्जीक्यूटिव सोचे कि वह अपने ऑफिसर यानी इमीडिएट सुपीरियर से बात ना करके सीधे जनरल मैनेजर से अपने काम के बारे में डिस्कस करें तो ये गलत होगा। हालांकि इमरजेंसी में गैंग प्लैंक का भी यूज़ किया जा सकता है, जिसमें कि एक ही लेवल पर काम करने वाले दो कर्मचारी जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा करने से काफ़ी टाइम बच सकता है और प्रॉम्प्ट डिसीजन भी लिए जा सकते हैं। 8th प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। हर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसकी कंपनी में कम से कम एम्प्लॉय टर्नओवर हो, उसके एम्प्लॉयज़ कम से कम जॉब्स चेंज करें, यानी वहाँ काम करने वालों की जॉब्स में स्टेबिलिटी, स्थिरता और जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ चेंज करना, नौकरी से निकालना और ट्रांसफ़र जैसी एक्टिविटीज़ कम से कम होनी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 9, रेम्यूनरेशन। यार, हर इंसान जॉब करता है तो पैसों के लिए, अच्छी सैलरी के लिए। इसीलिए कंपनी में काम करने वाले सभी मजदूरों को सही वेजेस और एम्प्लॉयज़ को सही सैलरी दी जानी ही चाहिए ताकि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकें, साथ ही जॉब से सेटिस्फाइड भी फील करें। पर कंपनी की पे करने की कैपेसिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। 10th प्रिंसिपल है ऑर्डर। ये प्रिंसिपल बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर फैक्टर यानी मैन, मशीन, मटेरियल एक्सेट्रा का एक निश्चित स्थान होता है और उसे उसके उचित स्थान पर ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन की मशीन से काफ़ी दूर पर रखा हुआ है तो रॉ मटेरियल्स को मशीन तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी और बहुत खर्चा भी होगा, जो कि इस प्रिंसिपल को फॉलो करके बचाया जा सकता है अगर रॉ मटेरियल्स को उस जगह के पास रखें जहां उनका यूज़ किया जाना है। 11th प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है शुरुआत करना या पहल करना, किसी प्रोजेक्ट को इंस्ट्रक्ट करना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना। फ्योल कहते हैं कि हर एम्प्लॉय को फंक्शनल प्लान को फ्रेम करने और उसके स्टेप्स डिसाइड करने का मौका दिया जाना चाहिए ताकि पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। इससे एम्प्लॉयज़ में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी आती है, जो कि अल्टीमेटली आपके कंपनी के प्रति उनकी लॉयलिटी जनरेट करती है। 12th प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट।
इस प्रिंसिपल में बताया जा रहा है कि किसी एक व्यक्ति के पर्सनल इंटरेस्ट सबके जनरल इंटरेस्ट से बड़े नहीं हो सकते हैं। एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो कि जनरल इंटरेस्ट को सबके इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऐसे कनेक्ट कर देता है कि जनरल इंटरेस्ट यानी जिसमें सबका भला है, वही हर एम्प्लॉय का भी पर्सनल इंटरेस्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर कंपनी चाहती है कि उसकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो और हर एम्प्लॉय भी चाहता है कि उसकी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। और अगर कंपनी हर सेल टारगेट पूरा होने पर एम्प्लॉयज़ को अच्छा इंसेंटिव देने लगे तो एम्प्लॉयज़ खुद अधिक से अधिक सेल करने की कोशिश करेगा और ऐसा होने से एम्प्लॉयज़ और कंपनी दोनों के ही इंटरेस्ट अधिक से अधिक सेल करना हो जाएंगे। 13 प्रिंसिपल इक्विटी। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को समान भाव से ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी कोई भेदभाव और किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, सभी को बराबर रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। 14 प्रिंसिपल एस्पिरिट डे कॉर्प्स। एस्पिरिट डे कॉर्प्स एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब है कि टीम वर्क की भावना होना। यह प्रिंसिपल बताता है कि एकता में शक्ति है। जैसे एक टीम का एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के हर सदस्य में टीम भावना होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑब्जेक्टिव है वही ऑब्जेक्टिव हर एम्प्लॉय का भी होना चाहिए। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो और इन 14 प्रिंसिपल्स की एक्सप्लेनेशन? हम एक आने वाले वीडियोस में ये भी बताएंगे कि ये 14 प्रिंसिपल्स क्यों ज़रूरी हैं और इन 14 प्रिंसिपल्स से ऑर्गेनाइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और ये बताइए कि आने वाले समय में आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर दिखाएं। एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपने मेरा पहला चैनल सक्सेस जी नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए और अगर आपको उसका कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए हमारे वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।